क्वेश्चन नंबर 20 इवेलुएट। तो हमें इसको इवेलुएट करना है, तो पहले हम इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये होगा 243 अपॉन 7776 टू द पावर 3/5। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इससे, और अब हम इसमें पहले रफ में इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सेवन 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 सिक्स और 243 का, इसको हम पहले 2 से लेते हैं तो ये होगा 3888। अगेन 2 से लेंगे ये होगा 1944। अगेन 2 से लेंगे तो ये होगा 972। अगेन 2 से लेंगे ये होगा 486। अगेन 2 से 243, फिर 3 से होगा 81। अगेन 3 से 27 और 243, इसको 3 से लेंगे इक्वल टू, तो 243 जो है ये 3/5 हो रहा, और इसमें 2 जो है ये 5 टाइम्स हो रहा है 2/5, और ये 3/5। तो 2^5 इंटू 3/5 बोथ के पावर आइडेंटिकल है, तो इसको हम एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो ये होगा 6/5 होल टू द पावर 3/5। और फिर हम इसके जो इसका न्यूमरेटर और डेनोमेटर बोथ के पावर आइडेंटिकल है, तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके फिर लिख सकते हैं, और फिर इसमें पावर टू द पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये होगा 5/3/5। 5 से 5 कैंसिल, इसमें इसको कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 1/2 होल क्यूब। तो ये 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब होता है 8। आंसर